बहुत सारे चीज़ों को जानने की ज़रूरत है ताकि हमारे जीवन सहज और आसान हो सके। हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति के स्वभाव में रहना हम सबको अच्छा लगता है और प्रकृति के स्वभाव में रहना ही रियल धर्म है। और जो प्रकृति के अनुसार अपना स्वभाव को, अपना घर को और परिवार को रखता है, उनके जीवन में बहुत सुख, जीवन में सुख दुख समस्या दिन रात सब कुछ होते ही रहता है। पर हम सभी लोगों को जानना है कि हम सभी लोग प्रकृति के पुजारी होने के नाते प्रकृति का स्वभाव बनाने के लिए शरणा माँ के, धर्मेश के संग आना होगा। धर्मेश के साथ में अपना मनोभाव विचार और अपना जो स्वभाव है उसको मिलाना पड़ता है, तब घर में प्रकृति का जो वातावरण है, प्रकृति का जो सोच है वो होता है। आज हमें बहुत खुशी हो रहा है कि आज शांति उराव के घर में मालगो भरनो झंडा बदली चूल्हा पूजा और घर का शक्ति बहुत सहज तरीका से, हम किसी को भी बता देंगे, दो दिन में अपना घर का शक्ति कर सकते हैं, अपना चूल्हा पूजा कर सकते हैं। इतना आसान और बहुत सुंदर तरीके से हम बता रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ आज घर शक्ति के नाम से, घर पूजा के नाम से बहुत सारे लोग खर्च कर देते हैं, लेकिन कुछ भी दिक्कत नहीं है। बहुत सहज तरीका से खुद भी अपना घर का पूजा, चूल्हा पूजा या जो भी पूजा है उसको कर सकते हैं। तो हम लोग एक सुंदर भाव से एक भजन के साथ में हम लोग आगे की हम फिर बातें करेंगे और इस वीडियो में, और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग किस तरह से सहज भाव से भी पूजा प्रार्थना विनती घर का शक्ति चूल्हा पूजा तमाम तरह से जो है पूरा शक्ति यहाँ धर्मेश का, चाला माँ का, पूर्वजों का, पुरखरों का और जो कर्म पेड़ है वहाँ का, आवश्यक हुआ पेड़ वहाँ का सब कुछ यहाँ हम लोग अच्छा शक्ति भर रहे हैं, ताकि शैतान विचलित करते रहता है। शैतान भी बहुत सारे इधर उधर घूमते रहता है, दुष्ट आत्माएं घूमते रहती हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाले भी, ईर्ष्या द्वेष करने वाले भी, कैसे दुख हो तकलीफ हो इस तरह से कुछ उल्टा सीधा करते हैं, उस सब चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, उनके रक्षा के लिए घर में धर्मेश का शक्ति हो हमेशा, इसके लिए हम लोग पूजा पाठ और प्रार्थना विनती भजन करते रहना चाहिए, प्रवचन करते रहना चाहिए। और शक्ति झंडा का जो स्थापित किए, इस शक्ति झंडा का स्थापित कीजिए, बहुत ही सहज है।